में मौजूद परम आदरणीय हमारी माता जी, भाभी जी, बच्चों, प्रिय गार्जियन और काबिल तारीफ स्टाफ करता हूं। ये उड़ान बड़ी अजीबोगरीब चीज है। कुछ उड़ान फलों से होती है, कुछ उड़ान हौसलों से होती है। हमारे पास हौसले हैं, हमारी माताएं बहनों के पास हौसले हैं। एमकेडी अग्रिम एकेडमी ने आज उन अभिभावकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से पढ़ाया और कामयाब बनाने में लगी हुई। दोस्तों, कितना अच्छा प्रोग्राम, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये सब हमारे बहुत काबिल स्टाफ, मैनेजर साहब और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और कृपया आपको ध्यान से सुनिए। आज जो 3100 रुपए का प्राइस एमकेडी अग्रिम एकेडमी ने पहले बैच में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले बच्चे को दिया है, नेक्स्ट ईयर जो इस नंबरों को तोड़ेगा, यानी कि इन नंबरों से ऊपर लाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको एमकेडी अग्रिम एकेडमी 5100 रुपए का प्राइस देगी। और जो बच्चा पूरे नेपाल में टॉप करेगा उसको 11000 रुपए का प्राइस देगी। मैं चाहता हूं अपने स्टाफ से, अपने अभिभावकों से कि वो बंद लगाकर बच्चों को पढ़ाएं, घर पर टीवी बिल्कुल बंद कर दें। ये जो सीरियल आ रहे हैं, ये सीरियल एक घर की पुड़िया का काम करना है। पापा जी कारोबार में थके आते हैं, सो जाते हैं, मम्मी जी सीरियल देखती हैं, बच्चों को कौन देखेगा। टीवी बिल्कुल ऑफ कर दें, खासतौर से 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों के लिए। उनके भविष्य को देखते हुए टीवी ऑफ कर दें। ये टीवी नहीं है दोस्तों, एक टीवी की बीमारी है। अगर बच्चों को काबिल बनाना है तो आप लोगों को भी उनके साथ, जैसे हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्टाफ मेहनत कर रहा है, उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के संभव नहीं है। बच्चा आपका स्कूल के अंदर, एकेडमी के अंदर 6-8 घंटे रहता है, लेकिन बाकी टाइम आपके पास है। आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, उसी मेहनत का नतीजा आप और हम देखें। इसी के साथ मैं एक बार फिर अपनी वाणी को बयान देते हुए आप लोगों का धन्यवाद है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर। तो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग एमकेडी से। मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया, तो अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।